महामारी से निजात पाने के लिए अब 16 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई है। इस कड़ी में खरगोन जिले के शुरुआत के दिन प्रभारी मंत्री कमल पटेल पहुंचे और आमजन को प्रेरित किया। बता दें, खरगोन की शासकीय कन्या महाविद्यालय भवन में अभियान का शुभारंभ करने मंत्री कमल पटेल पहुंचे थे। इस दौरान कमल पटेल ने पालकों से आग्रह किया कि जिस तरह उन्होंने टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करके अभियान को सार्थक बनाया, ठीक उसी तर्ज पर अपने अपने बच्चों को प्रेरित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने का भरकस कोशिश करें, ताकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हमने 18 वर्ष से ऊपर वालों को टीकाकरण कर दिया है। पहला और दूसरा डोज भी 145 करोड़ निःशुल्क टीकाकरण लगाकर पूरे विश्व रिकॉर्ड बनाया, पूरे विश्व का एक ये अभूतपूर्व अभियान है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। फिर अब उन्होंने 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के किशोरों किशोरियों के लिए मिशन 15-18 प्रारंभ किया, जो आज से पूरे देश में एक साथ हिंदुस्तान के सभी शासकीय प्राइवेट स्कूलों के अंदर प्रारंभ हुआ है। आज खरगोन में प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आया हूँ। हमने यहाँ शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय में ये हमने अभियान शुरू किया है। अब यहाँ टीकाकरण होगा और खरगोन जिले में ही 146 स्कूलों में 247 टीम हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण अभियान में लगी है। 30,000 का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने दिया है, भारत सरकार, लेकिन हम यहाँ उससे भी अधिक जितने टीके उपलब्ध कराएं वो पूरा करेंगे, क्योंकि ये टीकाकरण सिर्फ टीकाकरण नहीं है, जिंदगी का टीका है, जिंदगी का एक सुरक्षा कवच है। जिस प्रकार हमने 18 वर्ष से ऊपर लोगों को सुरक्षित रखा है, उसी प्रकार बच्चों को भी सुरक्षित रखने का काम किया। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का और प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद नागरिकों से और विशेष करके पालकों से अपील कर रहा हूँ और उनको बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस अभियान में, अपने बच्चे और बच्चियों को यहाँ भेजा है टीकाकरण कराने के लिए, और इसलिए हम इसको ये टारगेट बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट।